इस चांद के सहारे कितने दिल जुड़ते हैं, कितने संभलते हैं, पर सुनिए कैसे मुश्किल में पड़ते हैं। आज भी वो उसी खिड़की पर बैठी अपने उस चांद को निहार रही थी, जिससे उसे लाखों शिकायतें थी, लेकिन अब ये चांद उसे कुछ रूखा सा लग रहा था। रात तो पूनम की ही थी, पर अब इसमें रस जो नहीं था, रस यानी नमिता का प्रेम रस, नाज, नाज जिसने कभी उसे चांद को निहारना सिखाया था। वरना शहर की चकाचौंध में अब कहाँ किसी के पास चांद को निहारने का वक्त है। चेहरे पर बिखरे काले सुनहरे से बालों पर पड़ती चांद की रोशनी ने जैसे नमिता की सुंदरता को और निखार दिया था। अपनी बड़ी सी खिड़की के छोटे से कोने से सटी नमिता अपने बीते पलों को याद कर रही थी, जैसे कल की ही बात थी। कैसे सिर्फ एक हाँ सुनने के लिए नाज आधी रात चार माले ऊपर पाइप चढ़कर आया था, और उस हाँ का एक लौता गवाह भी ये चांद ही था। इसलिए तो मुस्कुराती हुई नमिता कभी कभी गुस्से में चांद को देखकर बड़बड़ाने भी लगती कि क्या तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि रुक जाओ, पर तुमने भी अच्छी दुश्मनी निकाली, आखिर तुम भी तो उसी की तरफ थे। नमिता आज से करीब 2 साल पहले के दिन याद करने लगी। सुनो, आज ऑफिस से जल्दी आना। क्यों, बस यूं ही? अच्छा, ये बात है तो आपका हुक्म सर आंखों पर मैडम, बंदा टाइम से पहले आ जाएगा, और बोलो तो आज जाऊं ही नहीं। अच्छा, अब ज्यादा बातें मत बनाओ, ऑफिस निकलो। अब लेट नहीं हो रहे हो जनाब? दिन भर के काम और शाम की सरप्राइज पार्टी की तैयारी में समय कैसे निकल गया नमिता को पता ही नहीं चला। धीरे धीरे अंधेरा हो गया और चांद अपनी चांदनी के साथ निकल आया नमिता और नाज की खुशियों का गवाह बनने। सभी दोस्त, रिश्तेदार, घर परिवार के लोग पहले ही आ चुके थे, और जैसे ही नाज के लिए नमिता ने दरवाजा खोला, सब एक साथ इतने में अचानक दरवाजे पर किसी ने नॉक किया और नमिता अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गई। और जो चेहरा कुछ पल पहले अपने बीते पलों को याद करके चमक रहा था, अचानक उदास सा हो गया। कमरे में माँ खाना लेकर आई थी तो नमिता खिड़की से उठकर बिस्तर पर चली गई। बेटा, खाना खा ले। नहीं माँ, अभी बिल्कुल भी मन नहीं है। अच्छा चल ठीक है, जब मन करे तब खा लेना, लेकिन खाना ठंडा होने से पहले खा लेना। ठीक है माँ। माँ के जाते ही नमिता ने रजाई ऐसे ओढ़ी जैसे कोई बच्चा किसी बुरे साये से डर कर छुपा हो। आखिर नमिता भी तो छुपा ही रही थी खुद को उन बीते लम्हों की यादों से। आंखें बंद करते ही नमिता का मन एक बार फिर नाज की बर्थडे पार्टी पर चला गया, और टेबल पर रखा खाना इंतजार की घड़ियों को घड़ी की टिक टिक के साथ गिनने लगा। थैंक यू सो मच नमिता, मुझे तो लगा था तुम भूल ही गई हो, लेकिन तुमने तो दिन भर के गुस्से को यूं पल भर में गायब कर दिया। अरे भाई, पार्टी में नमिता के अलावा हम सब भी हैं। हाँ हाँ, दिखाई तो दे रहे हो। वैसे वाकई बहुत अच्छा लगा मुझे तुम सब आए। कितने सालों बाद आज ऐसा बर्थडे मनाया। यार सच कहूँ तो अगर नमिता नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या ही होता। जिंदगी यूं ही हंसी खुशी बीत रही थी, लेकिन धीरे धीरे काम के बढ़ते बोझ और घर की जिम्मेदारियों ने नाज को नमिता से काफ़ी दूर कर दिया था, जिसका एहसास सिर्फ नमिता को था, क्योंकि नाज के पास तो वक्त ही कहाँ था कुछ भी महसूस करने के लिए। हाँ, अगर ऑफिस की कोई ज़रूरी पार्टी हो या दोस्तों के साथ बाहर जाना हो तो वो किया जा सकता था, क्योंकि इससे उसे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। धीरे धीरे नमिता नाज के दिन पर दिन बढ़ते जा रहे चिड़चिड़े बिहेवियर के लिए खुद को दोषी समझने लगी, और खुद ही खुद को मना लेती ये कहकर
कि कोई बात नहीं, शायद मैंने ही उन्हें परेशान कर दिया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो वो खुद भी जानती थी कि उसने कुछ भी नहीं किया, पर शिकायत करी भी तो किससे? नाज के पास वक्त कहाँ है? फिर उस चांद के पास बैठकर नमिता ने अपनी तकलीफें बांटनी शुरू की, अपने मन में दबे दर्द को कहना शुरू किया। ऐसा करके कम से कम नमिता का दिल हल्का तो हो जाता था, पर ये वो रात में तो कर सकती थी, पर दिन में कहाँ जाए? और किसी गैर के आगे उसे बेचारी बनना कतई मंजूर ना था। और तब शुरू हुआ चिट्ठियों का सिलसिला। नमिता ने चिट्ठियां लिखनी शुरू की, और ये चिट्ठियां पता है किसके नाम थी? उस चांद के नाम, जिसे सब पता था। आखिर वही तो एक साथी रह गया था नमिता की तन्हाई का। आज नाज ने तो हद ही कर दी, सुबह सुबह झल्लाकर नमिता पर हाथ ही उठा दिया। नमिता रोती हुई अपने कमरे में चली गई, नाज भी अपने ऑफिस निकल गया। नमिता ने आज फिर चांद के नाम एक और चिट्ठी लिखी और रोते रोते सो गई। जब आँख खुली तो सामान लाने बाजार चली गई। उधर नाज आज ऑफिस से जल्दी आ गया, घर में देखा तो नमिता नहीं थी। और ये क्या, नमिता आज अपनी डायरी जिसमें वो चिट्ठी रखी थी बिस्तर पर ही भूल गई थी। नाज ने डायरी उठाई और उसे निकलते हुए पेपर्स को ठीक करके अलमारी में रख ही रहा था कि उसकी नजर डायरी के कोने से बाहर झांकते एक कागज पर पड़ी, जिसके ऊपर लिखा हुआ था, डियर चांद। डियर चांद पढ़ते ही नाज ने हैरान होकर तुरंत डायरी से कागज निकाला और पढ़ना शुरू किया। डियर चांद, काश तुम ही मेरे जीवन साथी होते। भोर में जब भी जाते तो कम से कम रात को आने का वादा तो रहता, जो तुम कभी नहीं तोड़ते। अब भी तो आते हो, लेकिन सिर्फ शिकायतें सुनने। काश मैं तुमसे ही प्यार करती, तुम मुझे कभी धोखा नहीं देते। कम से कम तुम्हारी जिंदगी में मेरे साथ होने का टाइम तो फिक्स है। रात में जब नाज सो जाते हैं तो हम छुपकर बातें करते हैं, पर अब मुझे छुपकर नहीं, खुलकर बात करनी है। ये दिन कैसे कटेगा पता नहीं, लेकिन रात को आज प्लीज जल्दी आना, मुझे ढेर सारी बातें करनी है। नाज ने चिट्ठी इतनी हड़बड़ाहट में पढ़ी कि वो ये समझ ही नहीं पाया कि ये चिट्ठी नमिता ने किस चांद को लिखी है। नाज सिर पकड़कर बैठ गया। जैसे ही नमिता आई तो उसने नमिता के हाथों में चिट्ठी थमाते हुए सीधे पूछ लिया, आखिर कब से चल रहा है ये सब? नमिता को कुछ समझ नहीं आया कि नाज क्या कह रहा है। नमिता ने कहा, क्या चल रहा है? अब ज्यादा भोली मत बनो। लेकिन मैंने किया क्या है? किया क्या है, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी पीठ पीछे ये सब करते हुए? नमिता ने कागज उठाकर देखा तो उसे सब कुछ एक पल में ही समझ आ गया। लेकिन नमिता को नाज से ये उम्मीद नहीं थी कि वो कभी भी उस पर इस तरह उंगली उठा सकता है। नमिता अपने कमरे में गई और अपना सारा सामान पैक करके ले आई, और साथ में अपनी वो बाकी की सारी चिट्ठियां भी जो उसने चांद को लिखी थी। नाज ने भी उसे एक बार नहीं रोका। नमिता ने नाज के हाथ में घर की चाबियां और वो चिट्ठियां देते हुए कहा, इस चांद को तुम बहुत करीब से जानते हो। जब भी तुम्हें अपनी जिंदगी जिसमें अब सिर्फ तुम ही तुम हो उससे फुर्सत मिले तो उन्हें एक बार फिर दोबारा पढ़ना, क्योंकि मैं तुम्हारा गुस्सा तो सह सकती हूँ पर ये शक नहीं। और आज ऐसा करके तुमने मेरी उस एक उम्मीद को भी तोड़ दिया जो इस आस में थी कि शायद कभी मेरा नाज मुझे वापस मिल जाएगा, पर वो तो बहुत दूर जा चुका है। नमिता वहां से चली गई, पर नाज को अभी तक समझ नहीं आया कि ये चांद आखिर है कौन। अब नमिता रोज अपनी खिड़की पर बैठकर अपने चांद से बातें करती है, और कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी कि उसका नाज उसे लेने जरूर आएगा। नाज की चांद को पहचानने की कोशिश कितनी कामयाब हुई ये तो नहीं पता, लेकिन चांद के पास नमिता की शिकायतों की इतनी
लंबी लिस्ट जरूर बन गई है कि वो नाज से नमिता के लिए लड़ सके, पर शायद चांद को भी अब नमिता की बातों और गुस्से से प्यार हो गया था।